back. You're watching Fatma Fertilizer and Lipton Presents. जीतेगा पाकिस्तान. इस वक्त हम बात कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच की, जिसे मुल्तान सुल्तान्स 1/30 रन और कोयटा ग्लैडिएटर्स आज कुछ भी ना कर पाए. आप बोलते रहे काय कोयटा, लेकिन इस वक्त हम अपना पॉइंट टेबल पे थोड़ी सी नजर डालते हैं, अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं कि इस वक्त टेबल का हाल क्या है. बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान सुल्तान्स इज ऑन द टॉप ऑफ द टेबल. 5 मैचेस खेले हैं और वो 4 जीते हुए हैं. सेकंड पे हमारे पास है कोयटा ग्लैडिएटर्स, जिन्होंने 5 मैचेस खेले मगर सिर्फ 3 में कामयाब हो पाए हैं. सिर्फ 3 में. देन वी हैव इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑन द थर्ड नंबर, एंड उन्होंने 5 मैचेस में से सिर्फ 2 जीते हैं और ऑब्वियसली फिर 2 हारे. और आज का जो उनका मैच था वो टाई हो गया, तो उसका उन्हें 1 पॉइंट मिला है. फिर जलमी के साथ भी यही सिचुएशन है, देयर ऑन नंबर 4, उन्होंने भी 5 में से 2 जीते हैं, 2 और 2 हारे. यस. एंड देन वी हैव कराची किंग्स ऑन सेकंड लास्ट, 3 मैचेस खेले हैं, 1 जीते हैं. एंड लाहौर कलंदर्स एज ऑलवेज, 3 मैच खेले हैं और दे कुडंट विन अ सिंगल मैच. अब सिर्फ वाली बात नहीं है ये, कोयटा पे सिर्फ, हालांकि वो 5 में से 3 जीते हैं, तो वो भी आप कह रहे हो लाहौर तो कोई जीता ही नहीं है, तो मैंने बोला वो तो कोई जीते ही नहीं. वो क्या आप कहते कि वो सिर्फ जीते ही नहीं. सिर्फ जीते ही नहीं. वैसे तौकीर, 3 मैचों में कंटिन्यू, 3 दिन में 3 मैच खेले मुल्तान सुल्तान्स ने, गो के अपना क्राउड था, अपना ग्राउंड था, पहली मरतबा मुल्तान के लोग बहुत सपोर्ट कर रहे थे, फिर जीतने के बाद उन्होंने ग्राउंड का चक्कर भी लगाया, जो अच्छी चीज थी. मुल्तान की तमाम टीम ने रोसो और सारे जरा चक्कर लगा रहे थे, तो 3 दिन में 3 मैच खेलना और तीनों जीतना तो बहुत बड़ी बात है. अब पता है इस बार में राफे हमारे साथ जब थे तो उन्होंने शुरू से यही प्रेडिक्शन की थी कि 3 जितने मैचेस मुल्तान अपने ग्राउंड पे खेलेगी वो जीतेगी. और आप राफे ने आपको फोन किया था ये? नहीं, मुझे तो फोन करके कहा था कम से कम कल आएंगे तो बात करेंगे. देखिये मेरी प्रेडिक्शन थी जी, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेशर को वो अब्सॉर्ब कर सकते हैं. सारे बड़े प्लेयर्स हैं, सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, क्योंकि देखें जिस टीम में जिस तरह से शाहिद खान अफरीदी इस प्लेयर टीम के अंदर होते हैं, उस टीम का मुराल कुछ और हो जाता है. उसके बाद बात करें लेग स्पिनर के इमरान ताहिर की, बात करें मुइन अली की, बात करें शान उसकी कप्तानी की तारीफ करें, नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैप्टनसी की, या चेंजेस की बात करें, या फिर एकदम से आवाज थोड़ी लो हो जाती है आपकी. किस पे? शान पे. हाँ नसीम भाई, क्योंकि बेसिकली साथ खेले हुए हैं दोनों. नसीम भाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शान मसूद को नाजायज तौर पर हाईली रेट करते हैं, फॉरन से लोग बात करने लग जाते हैं कि पाकिस्तान का कप्तान बना दे, पाकिस्तान का. मैंने तो नहीं किया, अनवर भाई ने किए. मैंने देखा, एक आपको देखना यहाँ पे कप्तानी. अभी आदेश आपको जवाब देना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल हो गया. नहीं, पहले पहले बात, दिस इज माय ओपिनियन कि वो बेहतर कप्तान साबित होगा. देखें आपको नर्व पे कंट्रोल होना, फिर आपके पीछे देखना हर आपने तौकीर की जो जज्बात उभ रहे थे ना, वो आपने रोक दिए. मैं वो सुनना चाहता था, इज वेरी जूनियर, बहुत मुझसे जूनियर है, इसकी भी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है. वो अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग उनका एक अपना वर्जन है ना, ये बस नहीं है लाइकिंग डिसलाइकिंग का, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता है ना, डिफरेंस तो समझ में आता है, लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं, ये भी होता है, कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग का मसला है. ऐसा नहीं पाकिस्तान टीम में भी है ना. अभी आपने सरफराज को T20 के फॉर्मेट से बिल्कुल मसा, आपने उसे जो है ना फारिग कर दिया, तो ये कौन सा बड़ा काम है? क्या आजम ने, बाबर आजम ने कभी कोई डोमेस्टिक में कप्तानी की थी क्या? कभी कभी नहीं की. तो आपने एकदम उसको एज ए, नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर करंट लॉट में, इज अ डैम गुड प्लेयर. लेकिन कराची किंग्स में वो एज ए प्लेयर खेल रहे हैं, वहाँ माद वसीम कैप्टन, जहाँ ग्रूम करना चाहिए था आपको. माय डियर, यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, इसको क्या कहेंगे आप? कितने ऐसे प्लेयर हैं जो कप्तान हैं और वो अंडर कैप्टनशिप खेल रहे हैं? बट देन वो तो अगेन वो फ्रेंचाइज और पीसीबी की वो आ जाएगा, सेटों का मामला ना, देखिए बात माजद के साथ नहीं. लेकिन यहाँ पर एक मसला है कि जहाँ पर कोच आकर, पाकिस्तान टीम के सेलेक्टर आके मिसबाह उल हक बोलते हैं कि यहाँ पर आके मैं कोचिंग सीख रहा हूँ, मिसबाह उल हक एट द सेम टाइम इतना हाईली रेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाबर आजम कप्तानी नहीं कर रहे, वो हाईली रेट नहीं कर रहे. आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं खुद आपके बात को सेकंड कर रहा हूँ. देखें आपने यहाँ पे या तो उसे कप्तान बनाते ना यार, फिर आप पाकिस्तान की कप्तानी उसे करवा रहे हैं और आपने जिसको तैयार कर रहे हैं, ये तो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्सेज जो फ्रेंचाइज के जो मालिक हैं जो भी है ना, उनके दरमियान एक होता है वो कैप्टन हो नेशनल टीम का,
और वो अगर डिग्रेडिंग बात है इन माय ओपिनियन डिग्रेडिंग है और वो फिर 100% देता है नहीं बिल्कुल ये तो आप देखना आपको दुनिया में क्या मैसेज आएगा एक पाकिस्तान का कप्तान वो किसी के अंडर कैप्टनशिप खेल रहा है यार व्हाट इज दिस मसला ये इसका मसला है कि आपकी मैन मैनेजमेंट या जो भी कुछ है या आपके अंदर जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है मेरे हिसाब से उसको ग्रूम करें आप और किस और को बनाना है तो उसको भी इस फ्रेंचाइज जैसा जो कह रहे हैं ये अपने शान के साथ जो कर रहा है ये मैं चाहता हूँ इसी तरीके से आप लोगों को शादाब कर रहे हैं शान कर रहे हैं सब कर रहे हैं शादाब के साथ भी बहुत जल्दी कर दी है मैं समझता हूँ इस्लामाबाद में उसके लिए वो एज ए कैप्टन मेरा अपना व्यू है इनका अलग होगा इनका अलग होगा आपको एक चीज नहीं लगती कि जो है हमारे यहाँ जब से कप्तान चेंज होने के मसाइल शुरू हुए हैं पहले हर बंदे को तैयार करना शुरू हुआ है कि कप्तानी का चांस लग जाए या हर बंदा तैयार हो रहा है कप्तानी के लिए नहीं तो फिर ये सब क्या चक्कर है देखें गलत है पहले आप ये देखें कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंस है क्या एज ए प्लेयर एज ए कैप्टन अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर कप्तानी कर रहा है तो आप पहले उसका देखें कि आपका उसका विनिंग जो है ना रेशो क्या है एग्जैक्टली ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं अचानक से एकदम उसने क्रूशियल मौके पे डिसीजन क्या लिए देखिए शान के आज एक दो डिसीजन जो अभी जैसे खुशदिल शाह को लेकर आए बीच में एक पार्ट टाइम स्पिनर को लाया और विकेट भी लिया अफरीदी की जगह पे कितना बड़ा उन्होंने रिस्क लिया है इसका मकसद है कि उनको कोई प्लानिंग का हिस्सा ना मैं फिर बार बार कर रहा हूँ कि वो मुश्ताक अहमद इज ए वेरी वेरी गुड कोच उसका जो सेंस है वेरी नाइस बिल्कुल वो दिखाई आज मोइन अली भी ओपनर नहीं है जबकि कल वो मैन ऑफ द मैच थे आज विंस खेले जी विंस खेले और एहसान अली भी देखे वो यही कर रहे ना वो चेंजेस भी कर रहे बिल्कुल वो फियरलेस आज का जो महबूब भाई मैच था अगर हम देखें तो दोनों टीमें पॉइंट्स पे बराबर थी और दोनों टीमों ने चेंजेस किए आज टाइमल मिल्स को नहीं खिलाया है जो हम बात कर रहे थे कि बड़ी अच्छी गेंदें करके गए थे लेकिन अनवर अली को शामिल किया अहमद शहजाद परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो एहसान अली को क्वेटा ने शामिल किया इसी तरह बिलावल भट्टी को वो लेकर आए वहां से टीमों ने कुछ इस मैच को अपनी तैयारियों का भी हिस्सा जरा अपने और जितने भी हमारे सर्कश में तीर बैठे उनको भी जांचे कि उनमें कितना दम है जी बिल्कुल ये भी इस प्लानिंग के साथ भी हो सकता है कि इन्होंने आज का मैच खेला हो पर मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि अभी तक अगर पॉइंट्स टेबल पे देखें तो किसी भी टीम की पोजीशन वाजे नहीं है कि उसने क्वालिफाई कर लिया या नहीं कर लिया तो हर टीम इस मौके के ऊपर जो भी फ्रेंचाइज है वो अपनी तगड़ी साइड खिलाएगी कि जिससे वो विन करे और आगे जाके इस पॉइंट्स टेबल को टॉप पे लेके आए क्योंकि जो टॉप पे होगी उसको लाजमी है फेवर हासिल है तो ये बात कहना लेकिन अगर हम मुल्तान सुल्तान को देखें तो पिछले तीन मैचेस में सही चेंजेस किए पे किए जा रहे हैं मतलब देयर इज नॉट स्टिकिंग टू वन मुल्तान सुल्तान का आप इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि देखें मुल्तान सुल्तान का जो गेम हुए कल उन्होंने एक नाइट मैच खेला है और आज उन्होंने डे खेला है हो सकता है कि वो अपने प्लेयर्स को रेस्ट दे रहे हो वो उस तरीके से उन्होंने चेंजेस की हो टीम प्लानिंग क्योंकि तीनों दिन खेले एक नाइट खेला और फिर दोबारा मतलब है कि आप देखें तो 18 घंटे का भी उनको रेस्ट नहीं मिला होगा तो चेंजेस की ये वजह भी हो सकती है कि जो फ्रेश लड़के स्क्वाड में बैठे हुए थे उनको चांस दिया एक तो वो उनको देख भी लिया कि उनकी क्या परफॉर्मेंस जा रही है और सबसे बड़ी बात ये है कि मैच जीत गए वो तीन मैच जीत गए हसनैन अगर हम देखते हैं मेरे दिल से सवाल निकल गया मैं क्या सवाल करने वाला था हसनैन से हसनैन से बात करते हैं हसनैन खुर्रम मंजूर भी बैठे हुए क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ जो एहसान अली को आपने ट्राई किया खुर्रम के इतने सारे बैक पे रन्स दिखाई दे रहे थे व्हाई नॉट खुर्रम मंजूर देखिए नसीम भाई क्योंकि एहसान जो है थोड़ा सा तेज खेलता है खुर्रम मंजूर जो है थोड़ा सा टाइम लेते हैं आने के बाद विकेट पे तो ये भी एक रीजन हो सकती है और अहमद शहजाद को रेस्ट भी दिया तो एहसान को चेक भी करना था इस वजह से लेकिन आज उस तरह की उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही लेकिन ये क्या बेस्ट ऑफ लक क्वेटा के साथ क्योंकि एहसान जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो क्यों दब जाते हैं अब यही आपके खुर्रम मंजूर इंटरनेशनल क्रिकेट में आके क्यों दब जाते हैं शुएब अख्तर अगर बात करते हैं कि कराची के प्लेयर्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा छोटे दिल वाले हो जाते हैं हमने देखा है यहाँ पे मौके मिले तो परफॉर्म को भले आप या एक या दो मौके मिले खुर्रम मंजूर ने तो आपने याद होगा कि टेस्ट मैच में
I remember, I think he scored 60 odd runs. उसके बाद वो टेस्ट टीम से भी गायब हो गया. तो ये तो कोई बात समझ में आने वाली बात है ना, जिस तरीके से कंसिस्टेंटली स्कोर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगातार रन कर रहा है और फिर बाहर बिठाया हुआ है आपने, फिर आपने बाहर बिठाया हुआ है. कामरान अकमल की भी एग्जाम्पल हमारे सामने, बहुत रन है कामरान के इस फॉर्मेट में. अगर आप रिजवान को खिला रहे तो फिर कामरान अकमल तो मच बेटर चॉइस फॉर T20 क्रिकेट स्पेशली. क्या ख्याल है सर? कामरान अकमल के जिस तरह हर फॉर्मेट में रन है तो उसकी जगह तो बिल्कुल बनती है पाकिस्तान टीम में. और नेचुरल गेम खेलना चाहिए, चाहे वो खुर्रम मंजूर हो या फिर एहसान अली हो, जिस तरह वो खेलते हैं तो आज उनमें वो बात नहीं दब जाते ना, थोड़ा सा इंटरनेशनल जो है ना. तीन वनडे, तीन T20 मैच मिले अगेंस्ट बांग्लादेश, एहसान को कर देना था. एक में तो 80 करते हैं जितना मारते हो, सैकड़ा बन जाता सर, तो फिर उसके बाद नजरों में आ जाते ये. जी बिल्कुल. तो अगर हम आज पहले क्या अमेरिका चले, पहले अमेरिका जाने हैं, मेरे ख्याल अमेरिका चलते हैं क्योंकि ट्रंप साहब इंतजार कर रहे हैं. अच्छा चले, तो वी हैव साजिद खान फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम निशा, आपको नसीम भाई. अस्सलाम वालेकुम. पैनल वालों को बहुत बहुत वालेकुम अस्सलाम. ग्रेट नसीम भाई. साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम मेरे बड़े भाई नसीम भाई, कैसे हैं सर आप? खुदा का शुक्र. साजिद भाई, मुल्तान सुल्तान तीन मैचों में तीन कामयाबी, रियल सुल्तान. आज कैसा लग रहा है? कायका क्वेटा परफॉर्म नहीं कर पाई. जब से मैं ये बात सुन के थक गया हूँ, आप भी जवाब दे दें. एक दिन आ गया हमारा. नसीम भाई बहुत शुक्रिया, यकीनी तौर पर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है. मैंने डंकी की चोट पे कहा था मुल्तान से सुल्तान तीनों मैच अपने होम ग्राउंड पे जीतेगी, और उसने प्रूफ किया क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेल के. और यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया आज देखो, चार साल तक क्वेटा की टीम में मुल्तान सुल्तान के ओपनर ने, और जिस तरह की उसने सेंचुरी बनाई, ये सारा क्रेडिट देना पड़ेगा मुल्तान सुल्तान के ओपनर को. चार साल तक वो क्वेटा की टीम में था, मुल्तान सुल्तान ने उनको पिक किया, उसने एक आज ऐसी इनिंग खेली है. बॉलर बेबस हो गए थे, कप्तान बेबस हो गया था, जब क्वेटा ने क्वेटा को हरा दिया ये कह रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल, देखा दोनों फॉर्मर प्लेयर की कारकर्दगी आप देखे नसीम भाई. यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये डिस्कस को कंटिन्यू करना. देखिए क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, अली तरीन की जीत हुई, अली तरीन ने यकीनी तौर पर जिस तरह फ्रंट पे आके खिलाड़ी को जिस तरह मोटिवेट किया, और शान मसूद को उन्हें कप्तान बनाया. यहाँ शान मसूद का, इब्राहिम ताहिर का जिक्र करना, सुहेल तनवीर का जिक्र करना बहुत जरूरी है. आपने एहसान अली का जिक्र कर रहे हैं, एहसान अली देखे लास्ट टाइम भी क्वेटा से खेले थे, और यही वो मौका होता है जब किसी खिलाड़ी को इस तरह का मौका मिले. नंबर तीन पे भाई आसिफ अली पाकिस्तान खेल गए थे सिर्फ PSL परफॉर्म करके, हसन हुसैन तलत पाकिस्तान खेल गए थे. देखे नसीम भाई यही क्रिकेट की खूबसूरती है. सुहेल तनवीर आपके हमारे प्रोग्राम ऑलआउट प्रोग्राम में आए, उनकी ख्वाहिश है मैं वर्ल्ड कप खेलूं, और सुहेल तनवीर की कारकर्दगी को नजरअंदाज नहीं कर सकते. बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है उनका. यहाँ पर जरूर नसीम भाई इस बात को मेंशन कर रहे हैं, और जहां तक क्रिकेट और क्वालिटी है ये बहुत अच्छा मैच हुआ. यकीन तौर पर क्रिकेट जीती है, आप पर कोई भी बैट्समैन आता है, और इस मौजूदा पे सरफराज को लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं. देखे क्रिटिसाइज नहीं कर, टीम का कप्तान है और सारी चीजों को देख के चलता है. जब बॉलर बेबस हो जाए, 44 बॉल पे जब बैट्समैन 100 कर दे, और जिस तरह के बॉलर सुहेल खान की ऑफ स्पिन बॉलिंग नजर आए, तो कप्तान इस वक्त पे कुछ नहीं कर सकता. एहसान खान की अगर बात की जाए, देखिए कितनी भी फॉर्मेट पे आप बात कर लें, मगर ये जो क्रिकेट थी आज यकीनी तौर पर दोनों फॉर्मर प्लेयर ने बड़ी शानदार क्रिकेट खेली. मगर एक चीज वाज़ह तौर पर शान मसूद के रूप में नजर आई, बेहतरीन कप्तान और बेहतरीन उनके ये तौकीर नहीं मान रही है बात. जी नसीम भाई तौकीर खालिद नहीं मान रही है बात, शान मसूद एज ए कैप्टन. नहीं नहीं तौकीर खालिद उस बात पे नहीं मान रहा होगा. ये देखो पाकिस्तान सुपर लीग है, और तौकीर खालिद की कहीं एक ऐसी चीज होगी जो बाद वाज़ह उसमें वजन होगा, मगर तौकीर की बात तौकीर मान जाएंगे मेरी गुफ्तगू के बाद. देखिए नसीम भाई मुल्तान सुल्तान एक वाइट टीम है, इसके बाद तीन एनालिस्ट है. मॉडर्न क्रिकेट में बड़ा काम होता है किसी भी एनालिस्ट का, और एक वाइट टीम है जो तीन एनालिस्ट के साथ चल रही है. उन्होंने बड़ा अच्छा होमवर्क किया हुआ था, बड़ा अच्छा मार्क किया हुआ था, मगर ये चीज को मेंशन करना चाहिए. आज जिस तरह शुदाबाद से जिस तरह ट्रेनें भर के मुल्तान सुल्तान के दूर नेशनल स्टेडियम में पहुंची, दोनों टीमों को सपोर्ट किया, तो ये चीज को माने क्वालिटी. पाकिस्तान सुपर लीग अपना ब्रांड में बड़ी शानदार क्रिकेट देखने को गई, और आगे जाके जिस तरह कराची और क्वेटा को नजरअंदाज किया जा रहा था, हमने पहले प्रोग्राम में भी कहा था कराची क्वेटा के साथ जो ज्यादतियां की जा रही है, इस तरह की ज्यादतियां ना करें. कौन सी ज्यादतियां हो रही हैं?
डरते हैं यार नसीम भाई इतने बड़े एंकरों के, अगर आप ये बात करेंगे कौन अच्छा बना रहे, किसने करी ट्रेवलिंग, किस तरह मैच दी है, क्या बात कर रहे हैं नसीम तो ज्यादती किसके साथ हुई है, ज्यादती किसके साथ हुई, उनके साथ क्या ज्यादती है, कोयटा के साथ क्या हुई, लाहौर के कोयटा की ट्रैवलिंग ज्यादा है, कल भी उनकी फ्लाइट मिस हुई, आज वो पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे में पहुंचे सुबह में, और इसी वजह से तो हार गए, और तुम्हें क्या बता रहा था भाई, मेरा मौका तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आपको बोलते हैं इंडियन मैटर क्या करते हैं, बात कह रहे हैं जब किसी की टीम को इतनी ट्रैवलिंग कराएंगे शॉर्ट फॉर्मेट भी क्रिकेट में और तमाम को सहूलतें मौजूद नहीं होंगी, ये चीजें अच्छी नहीं है, हमने अपने जोड़ना है और अच्छी चीज करें, कराची और ऑन रिकॉर्ड में आपको एक बात बोलना, ज्यादती हो रही है, इन्होंने बहुत वो किया है, मुल्तान सुल्तान ने ठीक है बड़ी अच्छी काम किया है, मैं उस लड़के की बहुत तारीफ करता, हरी तरीन की उसने क्रिकेट में आकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन, आपको आज ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन बनेगा, जिस तरह उसने मोटिवेट किया है, जितने मेहमान नवाजी किया, जितना अच्छा खिलाड़ियों को मिलता है, इस तरह के फ्रेंचाइज के, और रदी उमर साहब की बात करूँ, अली तरीन की बात करूँ, सलमान इकबाल की बात करूँ, या जावेद आफरीदी की बात, इनको क्रेडिट देना पड़ेगा, पाकिस्तान सुपर लीग के इन फ्रेंचाइज के मालिकों का बड़ा अहम रोल है, बहुत ही अहम रोल है, आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल बात में दम है, और फिर सबसे बड़ी चीज देखें, लास्ट ईयर से मुल्तान सुल्तान ने बहुत कुछ लर्न किया, जहांगीर तरीन साहब के भाई आलमगीर तरीन साहब टीम के मैनेजर हैं, जो बैठे हुए थे डग आउट के अंदर, यानी खुद आके बैठे हुए हर मैच के अंदर, अब उन्होंने मैनेजर अपना, पिछली दफा नदीम खान साहब मैनेजर थे, लेकिन इस दफा वो खुद आके बैठे और खुद आके उन्होंने हर चीज को संभाला, अली तरीन हर मैच में दिखाई दे रहे हैं, जो पिछले एडिशन में देखें तो इतने ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे थे, तो मालकान का अपना इंटरफेरेंस भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देता है, और फिर जब वो डग आउट में आके बैठेंगे तो फर्क तो पड़ेगा, जाहिर सी बात है, ये तो देखे नसीम जो साजिद ने बात की है इसमें बड़ा वजन है, ये जो अली तरीन की बात की है कि ये पाकिस्तान में किसी ना किसी एक ऐसे मुकाम पे जरूर होंगे कि जो जिस आप देखें इंटरेस्ट के साथ वो क्रिकेट को लेके चल रहा है ना, यंग है, पीटीआई की गवर्नमेंट होगी तो, और तो फिर तो हो भी की गवर्नमेंट तो चलेगी ना उसमें, तो कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ, तो फिर तो अली तरीन हो सकते हैं, देखिए एक तो अपनी जगह भी बना रहे हैं वो, और फिर जाहिर है जहांगीर तरीन साहब जितने बड़े जितने करीब हैं उसके उसके अलावा उनमें भी स्पार्क है, क्वालिटी है उनके बेटे में। अच्छा आप मुलाकात हुई आपकी? जी हाँ, मैं वैसे ही उनको कभी स्पीच वगैरह में सुनता हूँ या देखता हूँ तो स्पार्क नजर आता है, यंग है, रख रखाव है, लेकिन जिस तरह आप बात कर रहे थे ना अभी के वो जो पिशावर जलमी के बैट्समैन थे हैदर, जिस तरह हैदर अभी जो है ना अभी तीन चार सीजन दें तो ऐसे अभी अली तरीन को भी तीन चार सीजन तो दें, वो भी बहुत यंग है, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं ये तो खैर बहुत जल्दी कह दिया साजिद ने, मगर एक उनकी अपनी राय है, मगर क्योंकि मैंने अभी उनको कुछ तकरीबात में और उनको स्पीच करते और उनका जो अच्छा हुआ उन्होंने मुल्क का प्रेसिडेंट नहीं कह दिया, ये तो ये भी कह सकते थे साजिद भाई, तो जाहिर है जिस तरह अप्रिशिएट करते हैं लोगों को, तो बड़े लेजेंड है, महबूब भाई क्या लगता है आपको जिस तरीके से मालकान पहुंचे डग आउट में कितना फर्क पड़ा? जी किसी भी टीम के जब मालिकान डग आउट में पहुंच जाते हैं तो इससे जब वो पर्सनली खुद किसी भी प्लेयर को मोटिवेट करते हैं या उसको बैक करते हैं तो उससे भी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे निखार आता है, क्योंकि प्लेयर्स को पता लग जाता है कि भाई हालांकि मैं मेरे जो मालिकान हैं या वो मुझे बैक कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं तो लाजमी इंटरेस्ट ले रहे हैं तो लाजमी उसकी भी ये ख्वाहिश होती है कि वो जाके इस तरीके से गेम प्ले करे इस तरीके से रोल प्ले करे कि उसकी टीम और मैच जीते और उसका कॉन्फिडेंस और उनके मालिकान का उसके ऊपर और बढ़े तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है कि अगर मालिकान खुद किसी टीम में बैठ रहे हैं और प्लेयर्स को मोटिवेट कर रहे हैं पर फिर भी अगर प्रोफेशनलिज्म को और मोटिवेट इसको अलग रखना चाहिए क्योंकि क्रिकेट जो है ये प्रोफेशनलिज्म पे होनी चाहिए जो प्लेयर खेल सकता है लाजमी नहीं है कि आप क्या नाम है किसी को फेवर अच्छा। करके ही ऊपर ले पहले एक प्लेयर हो आज ये महबूब भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि जरूरी नहीं है कि हर प्लेयर अच्छा कोच भी बन सकता है लेकिन पीटीआई गवर्नमेंट की बात हो रही थी तो
आज पेट्रोल के नर्ख कम हो गए, 5 रुपए आपने कम किए, डीजल पे भी 5 रुपए कम किए, अभी अभी की खबर है, हेडलाइंस चल रही थी, तो फिर मैंने कहा इस तरह की खबरें आएंगी तो पीटीआई की गवर्नमेंट रहेगी। अभी हमारे शहजाद साहब जो बता रहे थे कि टमाटर जो है वो 100 रुपए के 4 किलो बिक रहे हैं, जो इतने महंगे हो गए थे, तो ये आवाम के लिए आहिस्ता आहिस्ता आवाम को पब्लिक को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा ना। पीटीआई क्योंकि देखें ये स्पोर्ट्स का, इसमें हम डिबेट नहीं कर सकते। शहजाद अब्बा की इन चीजों पर बहुत नजर है, अगर बात करें आप तो जो इमरान खान को जो हुकूमत में लिया था वो तो एक बड़ा एक मसला अलमिया था ना, पूरा इन्होंने जो खजाना खाली किया हुआ था, अब वो रिकवर कर रहे हैं, ऐसा ऐसा सब चीज़ें हो रही हैं, तो स्ट्रीम लाइन पे आ रही है, तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि देखें इमरान खान लालची तो नहीं है, उन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो टोटली वो वर्ल्ड फेम के आदमी है, वो सस्ती शोहरत पे जाते नहीं है, जब वो क्रिकेट भी खेलते थे तो एक कंपनी उनकी क्लास थी। लेकिन बात है कि इमरान खान के साथ जो लोग हैं क्या वो भी ऐसा जाते हैं जैसे इमरान खान जाते हैं? नहीं, ये ये आपकी बात में वजन है। देखे वो उस शख्स की अपनी इंटीग्रिटी की मैं बात कर सकता हूँ, मेरे साथ खेला है, मुझे पता है कि उस बंदे के अंदर जो ना पैसे की या शोहरत की वो था ही इतना बड़ा नाम, वो कहता ना वो बॉर्न क्रिकेटर बॉर्न लीडर, तो उसने वो साबित भी कर दिया कि देखें 3 इलेक्शन हारा, मगर उसकी आप ग्रेटनेस देखें कि वो बंदा डटा रहा और एक दिन प्राइम मिनिस्टर बना। बिल्कुल, और अभी ये लकीली है पाकिस्तान के लिए, मैं कहता हूँ लोग उसको डिसएग्री करेंगे, इसलिए गरीब देखिए आपने अगर साथ में खेला है ना तो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन हमारे साथ एक आदमी कान में मुसलसल खेल रहा है। वी विल कैरी ऑन विद दिस डिस्कशन बट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं जीतेगा पाकिस्तान प्रेजेंटेड बाय फातिमा फर्टिलाइजर एंड लिप्टन। यहाँ हम पीएसएल के मैचेस की बात कर रहे हैं, आज हमने पहले मैच की तो बात की ही, मुल्तान वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स, और अब दूसरा मैच क्योंकि बारिश थी तो इसकी वजह से अबैंडन हो गया, तो दोनों को एक एक पॉइंट दे दिया गया है, पेशावर जर्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, हसनैन से थोड़ा सा पूछते हैं आज के मैच के बारे में। हसन, आज जैसे इस्लामाबाद और पेशावर का मैच ही नहीं हुआ, अच्छा ये आपको क्या लगता है लाहौर के फेवर में? लाहौर, अच्छा लाहौर नहीं था ना, कल था लाहौर, कल था लाहौर, हाँ अच्छा, बिल्कुल सही। लेकिन वाकई मिशा एक चीज वाकई जहन में आ रही है कि अब तक क्वेटा ने 5 मैच खेल लिए, मुल्तान ने 5 मैच खेल लिए, बाकी टीमों ने 4-4 मैच खेल लिए, लाहौर को जिसको 8 मैचेस की मेजबानी कजाफी स्टेडियम में होगी, उनके 10 में से 8 मैच वो अपने टेरिटरी में खेलेंगे, ये तो फेवरिज्म की बात है ना। हाँ, और फिर भी फ्रेंचाइज के जो लोग और बैठे थे, जो ओनर्स थे ना, उनको ऑब्जेक्ट जब करना चाहिए था ना, जब ये ड्रॉस बहुत सारे लोगों ने किया, नहीं देखो नसीब में बात तो फिर वो यहाँ के अटक गई, तो रिजल्ट भी तो देखिए बात सारी ये थी कि पिछली दफा 8 मैच कराची को दिए थे, इस दफा 14 मैच लाहौर को दिए थे, तो जाहिर है लाहौर मेजबान टीम है। ग्राउंड लाहौर का कजाफी स्टेडियम नहीं है, उसमें आप पहले ये देखें कि लाहौर के लड़के कितने खेल रहे हैं, देखना आप पहले ये सब चीज़, लेकिन बात कराची की टीम है फॉर एग्जाम्पल, जरा आप उंगलियों पे गिने तो सही कितने लोग, लेकिन आप कराची को क्राउड तो सपोर्ट करता है ना, मेरे बराबर में खड़े में सपोर्ट कर रहे होते हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, आज आप मुल्तान के क्राउड को देख लेते हैं ना, मुल्तान को सपोर्ट सबसे ज्यादा जो अप्रिशिएट करूंगा मुल्तान के क्राउड को करूंगा, और जिस तरह से उन लोगों ने किया, कम अज कम 3-4 हज़ार लोग बाहर भी थे, जिनको टिकट नहीं मिले, और नहीं बल्कि उन्हें फेक टिकट, फेक टिकट, ये भी एक चीज थी। मैं बड़ी बात कहना चाहता हूँ की तबस्सुस अगर आप मना गए, जैसे हमने एक फ्रेंचाइज का कहना है कि एक और होनी चाहिए, तो एक कराची के दो बड़े एक ओनर हैं जो मेरे दोस्त भी हैं, मैं कह सकता हूँ आरिफ हबीब और अकील डैडी, देखें ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये लोग कुछ हैं जैसे नदीम भाई जाहिर, वो भी एक हमारे साथ क्रिकेट खेले दोस्त यार हैं, इनको भी चाहिए कि एक फ्रेंचाइज एक एडिशन और करें, ये दोनों ऐसे आरिफ हबीब साहब, आरिफ हबीब साहब भी खेलते थे हमारे साथ, यहाँ भी खड़े हुए फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, उन्होंने जो है वो हमारे शो को स्पॉन्सर किया, थैंक यू वेरी मच आरिफ भाई। फिर एट द सेम टाइम मुल्तान सुल्तान के भी स्पॉन्सर, अगर वो चाहें तो एक एडिशन और हो सकता है, आरिफ भाई खुद क्रिकेट खेला करते थे मेरे साथ, आज भी कोई संडे मिस नहीं करते हैं वो मैं कह रहा हूँ, पाबंदी से जाते हैं अकील डैडी और ये अगर चाहें मिलके, तो उसमें होगा क्या कि कम से कम 20 प्लेयरों को और को फायदा होगा, बिल्कुल ये अच्छा पॉइंट है, इसमें आपको यंगस्टर्स मिलते हैं, उसमें आप चाहे कंडीशन और भी रख दें कि जी हमें 4 जो है इमर्जिंग प्लेयर चाहिए,
2 under 19 देखें ना, यहाँ से आपको ग्रास रूट इस तरह से बनानी पड़ेगी और इस तरह से आपको प्लेयर डेवलप करने पड़ेंगे। हमारी डिपार्टमेंट की टीम बंद हो गई, वहाँ पे एक अंडर 19 की पहले टीम हुआ करती थी डिपार्टमेंट होगी, आपने बड़ी भी टीम बंद कर दी, छोटी भी टीम बंद, लेकिन अगले साल से कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल क्रिकेट को रिवाइव करने का प्लान है, लेकिन है इसमें कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन तो देखें बहुत सारी चीजों का बहुत देर में आता है, लेकिन मैं आपको यहाँ ट्वीट आया है, मैंने कहा कि ये लॉलीपॉप है, इसलिए अगर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्टेटस नहीं है ना तो देट इज अ लॉलीपॉप फॉर डिपार्टमेंट। लेकिन मैं फिर बात ये कर रहा हूँ कि एटलीस्ट बच्चों की नौकरियां बचनी चाहिए। एक यंग प्लेयर बैठा हुआ है, क्या फील होता है जब डिपार्टमेंट्स क्रिकेट नहीं होती? सर बिल्कुल गलत फील होता है, होनी चाहिए क्रिकेट। कराची में क्लब क्रिकेट भी बंद हुई हुई है, डिपार्टमेंट क्रिकेट भी नहीं है, तो नए लड़कों को कैसे चांस मिलेगा? अब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म रही है PSL। और PSL के अलावा जिस तरह भी बात कर रहे थे आप, कितना मिस करते हो आप, कामरान अकमल ने बात की और बहुत ही एक लॉजिकल बात थी कि स्कूल क्रिकेट में इंडिया में आप शॉर्टर फॉर्मेट होता ही नहीं है, वो खेलते ही बड़ा फॉर्मेट है। आपके यहाँ पर जो इवेंट होते हैं, अभी आपने स्कूल ही पास किया है, ज्यादा नहीं है, तो क्या लगता है हसनैन हमारे यहाँ पे जितनी क्रिकेट हो रही है T20 हो रही है? बिल्कुल सर, हर जगह पे आप देखें क्लब मैचेस भी होने लगे हैं तो वो भी T20 होने लगे, स्कूल क्रिकेट तो होती नहीं है, ना होने के बराबर है। अब ये कि क्रिकेट होनी चाहिए और लॉन्ग क्रिकेट होनी चाहिए, अब बंदा बैटिंग करे तो उसको पता चले कि उसने 4 दिन खेलना है, अब वो T20 होती है, बस गए आ गए। तो ये कि लॉन्ग क्रिकेट होगी तो जाहिर सी बात है एज अ प्लेयर इंडिया में आप देखें विराट कोहली हो गया, इसके अलावा इंडिया के जितने बड़े रोहित शर्मा, शिखर धवन, रहाणे, आप जो उठाओगे वो प्लेयर है उनके पास, बहुत बड़ा यही है कि वो अपने छोटे लड़कों को भी जो है ना अपने ग्रास रूट के लड़कों को बहुत सपोर्ट करते हैं। अब हमें तो हमारे प्लेयर्स अब क्रिकेट आई है पाकिस्तान में, तो अल्लाह करे इसी तरह होती रहे। तो असलम भूसिया तो आपको सपोर्ट करते हैं ना अब्बू, बहुत सपोर्ट करते हैं वो देखें एक फैमिली का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नसीम मुझे अपना एक याद है कि कॉलेज का फाइनल हमारा जो नेशनल कॉलेज का और उर्दू कॉलेज का वो 4 दिन का हुआ था इंटर कॉलेजिएट का, ये मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, 74-75 की बात कर रहा हूँ मैं। उस वक्त ये जो क्रिकेट थी ना ये इसी तरह हुआ करती थी, ये जो 20 ओवर 25 ओवर उसमें आप देखें आपको जो ना लंबी रेस के घोड़े कभी भी नहीं मिलेंगे, आप पेशर जहीर अब्बास, जावेद मियादाद, आसिफ इकबाल, ये यूनुस खान। लेकिन क्रिकेट भी चेंज हो गई अनवार भाई, ये भी एक बात है, वजह ये हो गया ना कि पैसा जो ना ये शॉर्ट कमिंग ये इस क्रिकेट में बहुत आ गया है, T20 में इतना पैसा आ गया कि देखो ना आपके 3 लड़कों ने अभी जो ना टेस्ट क्रिकेट खेलने से मना कर दिया, अब वो T20 इसलिए 4-5 लीगें खेल, घोड़े भी खत्म हो गए सर, लंबी घोड़े तो दूर की बात है, घोड़े भी खत्म हो गए। हाँ ये भी आप कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना एक जहन बना लिया ना कि यार 1-4 घंटे का शो है इसके लिए मेहनत कर लो। घर में क्या भाभी से लड़ाई हुई है? आज नहीं, भाभी की तबीयत आज मेरी बहुत काफी खराब थी, क्योंकि ऐसा लगा कि जितना आप मेरे किसी शो में इतना खुल के नहीं बोले जितना आज बोले, लग रहा है घर में खामोश थे बिल्कुल। नहीं घर में जो खामोश था कि वो बीमार थी। नहीं नहीं अनवार भाई हमारे जबरदस्त किस्म के दोस्त और क्या प्लेयर थे, मैंने इनकी जो तारीफें सुनी है मकसद एक है, ये 100 से नीचे आते नहीं थे, MCB से खेले, जहाँ से भी खेले, और पता है निशा, शाहिद खान अफरीदी, यूनुस खान, और मैं आप जरा गिनवाइएगा आपके अंडर में कौन कौन आसिम कमाल, मैं इसलिए बता दूं ये आसिम कमाल, शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, हसन रजा, फरहान आदिल, मोहम्मद जाहिद, यूसुफ, राणा नवेद, साजिद खान, ये सब जो ना साजिद खान भी आपके यहाँ से खेल के लिए वो PIA कोर्स में था। अच्छा ये सब मेरे यहाँ लड़के जो थे ना ये 10 लड़के मेरे पाकिस्तान खेले, पाकिस्तान MCB कोर्ट से, इनको मैंने क्लब क्रिकेट से हंट किया था। माशाल्लाह आपका तो एक्सपीरियंस जी बिल्कुल ठीक है, क्रिकेट से हंट किया था मैंने सबको, अच्छी तरह याद है। नहीं नहीं ये माशाल्लाह, और जो एक इनका टैलेंट जीता जागता इस मुल्क का एक नाम हमारे साथ मौजूद है जी, साजिद खान खुद बड़ा जी, साजिद भाई ये आपने इस वक्त सुहेल तनवीर की कुछ बात की थी, लेकिन अगर मैं आज के मैच में देखूं तो फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस नहीं सामने आई, हम देखे स्पिनर्स को देखे, बिलावल भट्टी ने आज कितना अच्छा परफॉर्म किया है, 3 विकेट्स लिए जिसमें 2 तो बहुत बड़ी विकेट्स ली थी उन्होंने, जेसन रॉय एंड बेन कटिंग, फिर इमरान ताहिर की तो मतलब बात करें तो उन्होंने भी वॉटसन और आजम खान को आउट किया, तो पेसर्स कुछ नहीं दिखे मुझे। अगर क्वेटा के पेसर्स नहीं दिखे तो उसमें जो इनका ट्रेवलिंग है साजिद खान साहब, इसका कितना बड़ा रोल है, क्योंकि 10 बजे वो चले, 12-12:30 बजे वो मुल्तान पहुंचे और उसके बाद उन्होंने तैयारी की और 2 बजे जाके मैच खेला है, तो इससे भी कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि जिस तरह हमने नसीम शाह को, हसनैन को देखा था पिछले मैचेस में, आज थोड़े से ऑफ कलर थे, आपने फील किया? नसीम भाई
लतीफ भाई बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया, इतनी टाफी थी और मैं समझ पर जितना ट्रेवलिंग के साथ साथ जो झटके थे उनको जहाज में जिस तरह वो गए और शहर से बहुत दूर स्टेडियम है और जिस तरह नदीम उमर साहब ने हमने जब पहले भी बताया था, देखिए ये चीजें इनको सोचना चाहिए था पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को जिस तरह ड्रॉज बना रहे थे। बड़ी इम्पोर्टेंट गुफ्तगू अनमार भाई रिसना बात कर रहे हैं, हमारा पैनल बात कर रहा है, तौफीक बात कर रहे हैं, ये निशा बात कर रही है, बात इस प्रोग्राम की और तमाम गुफ्तगू को इस तरह आगे बढ़ाए। खूबसूरती होती है क्रिकेट लॉजिक पे हम बात करते हैं। आपने देखा होगा जिस तरह की आज बात हो रही है, जिस तरह निशा ने बात की सुहेल तनवीर के हवाले से, सुहेल तनवीर ने बड़ी शानदार बॉलिंग की पिछले मैच में, मैन ऑफ द मैच रहे चार राउंड के, मगर हम बात कर रहे हैं नसीम भाई ने भी बात किसी भी खिलाड़ी की कारकर्दगी शॉर्ट फॉरवर्ड में कि कोई जिस तरह के आज बैट्समैनों का दिन था और तमाम बैट्समैनों ने खासतौर पर जिस तरह बॉलरों के छक्के चौके उड़ा दिए, असैन की बात करो ऑफ पल नजर आए, सुहेल कल जब बॉल बैट पर आने लग जाए तो बॉल पिच इस तरह की हो तो बॉलर बेबस हो जाता है। ये क्रिकेट की खूबसूरती और शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट की जो लोग देखना चाहते हैं, मगर कोई तरह के हवाले से सवाल हुआ है या कराची के हवाले से सवाल है, लाहौर कलंदर के हवाले से सवाल है। देखिए लाहौर कलंदर का कही गांधी जी के जो फॉलो करते हैं आपके कौन है? अच्छा, आज उठा आकिब जावेद जो की कोच है उनकी अना की प्रॉब्लम है, वो किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हालांकि गांधी जी को तो आजकल नरेंद्र मोदी भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो भी आरएसएस पे चल रहे हैं। गांधी जी को कहां फॉलो कर रहे हैं मोदी साहब, वो भी आरएसएस पे चल रहे हैं। वो भाई यही तो मसला है हमारे, हम गांधी जी की किताब पढ़ रहे होते हैं। हमने आकिब जावेद ने जब क्रिकेट खेली जब उसके साथ आप रूम शेयर कर रहे हैं, जब उसके साथ बैठे हैं तो उसकी सोच गांधी जी की है। तो बात ये होती है आकिब जावेद जिस तरह लाहौर कलंदर पर जिस मुकाम पे पहुंचा गए, लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को सोचना चाहिए फॉलर कोचों को, बाकी जो जो ट्रेवलिंग का जो ट्रेनर है जितने भी सब के अपने लोकल है, और आकिब जावेद अपने आगे किसी को बोलने नहीं देते और आकिब जावेद जिसको चाहते तन तन मन कहते हैं वो करने को तैयार होते हैं। आपने फकर की कारकर्दगी देख ली, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए सलमान भट्ट का सवाल हुआ, वो कह रहे हैं मुझसे सवाल नहीं करते, मेरे मैनेजर से सवाल करें। तो ये पाकिस्तान से आप खेले हो, बस आप ही सवाल कर रहा है तो ऑन रिकॉर्ड पूरी दुनिया में जा रहा है, पूरा सोशल मीडिया में उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये चीजें ऐसी अच्छी नहीं होती। बार हम आते हैं क्रिकेट में, क्रिकेट की ज्यादा खूबसूरत की बात होती है। सेनेटर फैसल की तारीफ करना बहुत जरूरी है। आपने देखा तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जितना क्रिकेट लवर है और हर ग्राउंड में मौजूद हो, क्रिकेट प्रमोट करने में ऐसे लोगों का अगर हम जिक्र न करें। और ह्यूस्टन में कोई आपको ऑफर हो गई है कि तहरीक इंसाफ की कोई ह्यूस्टन में कोई ऑफर तो नहीं हो गई है कि ठीक है यहाँ हमारे आप है सदर? नहीं नसीम भाई अच्छा काम कर रहे थे, उसको असर की अनमार मैंने इमरान खान साहब की बात की थी, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है, प्राइम मिनिस्टर के अलावा ग्रेट कप्तान है, न्यायी दयादार ईमानदार इंसान है, एक जब ठीक है हम ड्रॉप हो गए कोई दूसरा लड़का चलेगा वो अलग बात है, मगर बात ये होती है बात को करें जो लोग सुनना चाहते हैं समझना चाहते हैं। आज पाकिस्तान में जो भाजपा एडिशन हो रहा है ये सारा क्रेडिट इमरान खान को आपको देना पड़ेगा, और आज पाकिस्तान के सारे ग्राउंड भरे हुए हैं, ये पाकिस्तान की आवाम की खुशकिस्मत ही है हमारे मुल्क में इतनी अच्छी क्रिकेट हो गई, इतने अच्छे लोग सपोर्टर। कल के मैच में आप कितनी अच्छी क्रिकेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिस्टर साजिद खान, और कितना अच्छा क्राउड एक्सपेक्ट कर रहे हैं बारिश के बाद? पूछो क्या कहते हैं कल, कल क्या लग रहा है आपको? कल बारिश नहीं है पिंडी में, पिंडी में तो क्या क्राउड से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? इस्लामाबाद वर्सेस कराची क्या लगता है कौन जीत रहा है? देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आज पूरा ग्राउंड जिस तरह पिच कल बनेगी कि वो पिच जब बारिश हो जाए ग्राउंड का कवर है तो पिच से नबी है और नबी के साथ साथ आपको ग्राउंड बनाने के टाइम में कल भी 12 ओवर का मैच हुआ था और जिस तरह आपने देखा 133 रन बने थे और पूरा 2020 अगर हो गया तो पिच बहुत शानदार बनेगी और पिच अच्छी बनेगी तो एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। मगर कल कराची आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलेगी, कल कराची को इंशाल्लाह कौन सी खेलेगी होगा कल कराची कराची कौन सी क्रिकेट खेलेगी? अच्छी क्रिकेट खेलेगी, पॉजिटिव क्रिकेट खेलेगी, पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करेगा। अगर बाबर आजम की बात करो, शकील की बात करो, मगर उनके कप्तान को चाहिए इफ्तिखार को ऊपर खिलाए, इफ्तिखार 2020 का ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इफ्तिखार को नीचे खिला रहे हैं। वाकई साजिद खान साहब, वाकई आपकी टीम कौन सी है कल? कराची है, ये आवाज गायब हो गई इसमें। भाजन जाग रहे हैं, भाजन जाग रहे हैं, बात हुई थी भाजन भी सेफ खा रहे थे। कराची है आपकी?
ओके साजिद भाई थैंक यू वेरी मच साजिद अंकल साजिद खान थैंक यू जी तो आखिर कल की टीम आपकी बताएं जरा रीजन क्या है बस दिल जा रहा है कराची के साथ बट इस्लामाबाद के साथ उनका क्राउड होगा उनका होम ग्राउंड होगा अब दिल है कराची जीता कराची जीते कराची के साथ बिल्कुल जी अनवर मगर एट द सेम टाइम इस्लामाबाद बाउंस बैक करेगी मतलब तगड़े तरीके से ये मत कहना कल भी आके बैठना ये नहीं आज एक टीम बताओ एक टीम कराची जी मैं इस्लामाबाद को कल इस्लामाबाद के ज्यादा चांसेस आपको लग रहे हैं जी वजह अभी थोड़ी एक प्रॉब्लम ये भी आ गई देखिए रेन अफेक्टेड जो होंगी ना वहाँ पे जैसे आज के मैच की आज लोगों ने बात की है सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि आज पिच का बिहेवियर बड़ा स्लो था फिर भी रन हाई स्कोरिंग मैच देखें उसके बाद उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की प्लेयरों ने वो जो ना स्लो बॉल का इंतजार करता रहा और उस पर चौके छक्के मारे हैं देखें ये प्रोफेशनलिज्म होता है उन्होंने जब देख लिया कि पिच का बिहेवियर हल्का है तो उन्होंने फिर उसी अंदाज से अपनी बैटिंग दोनों ने की है और स्कोर कहाँ से कहाँ लगा पिच का बिहेवियर थोड़ा स्लो था अभी ये रेन अफेक्टेड जो होंगी ना पिचेज उसमें नसीम कुछ भी हो सकता है उसमें हो सकता है स्पिनर जो है ना थोड़े अनप्लेबल हो जाए अच्छा ये भी हो सकता है बिल्कुल ये हो सकता है और आज भी थोड़ा लेट इंट्रोडक्शन हुई है तो शादाब के लिए अच्छी खबर है फिर हो सकता है ये हो सकता है क्योंकि बिहेवियर चेंज जब हो जाता है ना तो बैट्समैन का बड़ा फर्क पड़ जाता है कितना बड़ा भी बैट्समैन हो क्योंकि पिच का बिहेवियर कराची का एक बड़ा मसला ये हुआ है कि उमर खान को लास्ट टाइम भी देखिए ओवर्स नहीं दिए थे लेकिन हाँ आपने खिला के नहीं ये बात आपकी एक है कि एक तो ना आपको प्लानिंग से और आप किस जगह पे खेलना है और देखें ना ये लोग माशाल्लाह एक्सपर्टीज बैठे हैं सारे लोग देखें ना विकेट को देखने का जो फन है ना वो एक आना चाहिए कि ये पिच का बिहेवियर है कैसा वो ऐसे नहीं आ सकता है तजुर्बा है सर लेकिन हर टीम के साथ तो भाई हमें प्रोग्राम खत्म करना होगा कल आपकी टीम कौन सी और क्यों कराची के हर मैच में कराची हाँ ये तो है पक्के कराची किंग्स यस जिस तरह क्वेटा के हर मैच में क्वेटा है आपकी टीम आज कुछ नहीं हुआ इस्लामाबाद जिस तरह फॉर्म में और इस्लामाबाद की जिस तरह की टीम है तो वो बाउंस बैक अच्छा उनके जो टॉप ऑर्डर देखते हैं तो राइट हैंड बैट्समैन रॉन्की से लेके दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे में उमर खान और अमाद वसीम का रोल कैसा हो सकता है आपकी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है अगर उमर खान को खिलाए तो ये बिल्कुल खिलाना चाहिए और उसको चांस भी देना चाहिए पिछले मैच में भी उसको बॉलिंग नहीं दी वो कुछ कर सकता था उसके अंदर टैलेंट है जो आपकी टीम कौन सी मैं तो इस्लामाबाद ले रही हूँ अब तो इस्लामाबाद ले रही हूँ अब मैं इस्लामाबाद में नहीं मैं फड्डा है कराची किंग्स अगर तुमने जो लिए उसके अगेंस्ट जाऊंगा मैं ये कराची किंग्स के साथ है मैं इस्लामाबाद के साथ हूँ आप देखते हैं किसके साथ है लेकिन इसके साथ साथ कल वुमेन्स वर्ल्ड कप T20 इंटरनेशनल का भी मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान बहुत बड़ा मैच होगा एंड प्रॉब्ली इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट मगर दुआएं करें पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा एंड इसी के साथ वी विल एंड आवर शो एंड वी विल मीट यू टुमारो सेम टाइम सेम चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेक केयर अल्लाह हाफिज़